वेलकम टू माय चैनल सिक्किसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। नीट में बायोलॉजी से टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं और सभी चैप्टर से लगभग एक दो क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, या ऐसा भी कोई चैप्टर नहीं है जिसमें से 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर से आते हैं। बड़ा चैप्टर है तो 2-3 क्वेश्चंस, और छोटा है तो 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, तो इक्वल इम्पोर्टेंस है। और हमारा जो सिलेबस जो है वो नीट का वो क्या है, NCERT 11th and 12th टेक्स्ट बुक। 11th और 12th की टेक्स्ट बुक्स को अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करें तो हम नीट बायोलॉजी को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इकोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ईयर 2009 से 2011 में पूछे जा चुके हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले 2011 के बाद वाले क्वेश्चन पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए ताकि आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में जो है वो हम क्वेश्चंस बता चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो स्टार्ट करते हैं हम इकोलॉजी से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम, यानी कि ऐसा किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड इकोसिस्टम में एक समय पर एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करता है। हमारे पास फर्स्ट है फ्रॉग जो कि इंसेक्ट पर फीड करता है, दूसरा है हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि हो जाएंगे प्रोड्यूसर्स, थर्ड हमारे पास फिश, अगर हम फिशेस की बात करें तो वो किस पे फीड करता है, तो फिशेस जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स पर भी फीड करते हैं, एल्गी और जू प्लैंक्टन्स पर भी कुछ फिश जो है वो फीड करते हैं। तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स भी हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स, कंज्यूमर्स हो गए जू प्लैंक्टन, तो इस तरह से फिशेस जो है वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, फिश। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ग्लोबल एग्रीमेंट ये साइन हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में 1987 में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में मॉन्ट्रियल यहाँ कनाडा ग्लोबल एग्रीमेंट है जो कि, और इसमें क्या कहा गया था, टू स्टॉप द कंट्रोल टू स्टॉप द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कि ओजोन को डिप्लीट करने वाली सब्सटेंसेस का एमिशन रोकने के लिए जो है एग्रीमेंट जो था वो कौन सा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो अब इस ऑप्शंस को देखें हम, कंट्रोल ऑफ CO2 एमिशन नहीं होगा, सेकंड है रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, तो हम इसी की बात कर रहे थे, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। चिपको मूवमेंट जिसको क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन भी कहते हैं, और चिपको मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज के लिए। ठीक है, तो ये जो है चिपको मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था किसके लिए, टू प्रोटेक्ट दी ट्रीज, ट्रीज प्रोटेक्शन के लिए जो है वो आंदोलन किया गया था, वो था चिपको मूवमेंट।
या चिपको आंदोलन किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो अब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वेटलैंड, ग्रास, फॉरेस्ट, लाइव स्टॉक, यानी तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स इन ए हाइड्रोसेरे इज। यहां पर जो है वो हाइड्रॉक्स सक्सेशन के बारे में पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें हाइड्रॉक्स सक्सेशन में। तो अगर हम हाइड्रॉक्स सक्सेशन की बात करें तो हाइड्रॉक्स सक्सेशन यहां से शुरू होता है। फर्स्ट स्टेज जो आती है वो हमारे पास है फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज, जो कि क्या है? एक पायनियर कम्युनिटी है, जो फर्स्ट कम्युनिटी जो इनहेबिट करती है एरिया को वो है पायनियर कम्युनिटी फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो है उसके बाद आती है हमारे पास सबमर्ज, सबमर्ज के बाद है हमारे पास फ्री फ्लोटिंग के बाद है हमारे पास रीड स्वाम्प स्टेज, उसके बाद मार्श मीडो, नेक्स्ट स्क्रब स्टेज और लास्ट स्टेबल कम्युनिटी जो है वो है क्या कहलाती है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो इस तरह से जो है ये है हमारे पास हाइड्रॉक सक्सेशन की सीक्वेंस। फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज प्लांट, फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फिर उसके बाद रीड स्वैम्प, मार्श मीडो, स्क्रब स्टेज और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में फर्स्ट क्या है? ओक। ओक ट्री है जो कि क्या है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ है। तो ये यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा भी क्या है? ओक। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो गए। थर्ड बात करते हैं किसकी? वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स एल्गी है, तो फाइटोप्लैंक्टन उसके बाद आता है एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन एल्गी स्टेज। उसके बाद है हमारे पास सबमर्ज प्लांट कौन सा? हाइड्रिला। तो थर्ड ऑप्शन इस तरह से जा रहा है और फोर्थ है पिस्टिया डायरेक्ट दावा है जो कि क्या है? फ्री फ्लोटिंग प्लांट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स, हाइड्रिला, पिस्टिया, सिक्टस, लेंटाना एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास थर्ड वन जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए स्टेप्स। तो हमारे पास में कौन कौन से पॉइंट्स है? तो पहला तो ये कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि सीएनजी की यूज करना है, पेट्रोल डीजल को रिप्लेस किया जाए सीएनजी से। सीएनजी का बेनिफिट है कि ये जो है लेस एमिट पॉल्यूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो है वो लेस एमिट करता है। कौन? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दूसरा है हमारे पास फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स या रिमूव ओल्ड व्हीकल्स। ओल्ड व्हीकल्स को क्या है? रिमूव करना। और लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल। तो ये क्या है हमारे पास कुछ पॉइंट्स है एयर पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए। अब हम ऑप्शंस की ओर देखें तो फर्स्ट है यूज ऑफ नॉन पोल्यूटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी ओनली एज फ्यूल बाय ऑल बसेस एंड ट्रक्स। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? इसको ज्यादा मैच कर रहा है कि सीएनजी को यूज करना पेट्रोल और डीजल की। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। कंपल्सरी मिक्सिंग ऑफ 20% इथाइल अल्कोहल विद पेट्रोल एंड बायोडीजल, तो ये नहीं है। पीयूसी सर्टिफिकेट पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, सर्टिफिकेशन बना, सर्टिफिकेट बनाया। तीसरा है परमिशन टू यूज प्योर डीजल विद मैक्सिमम 500 ppm सल्फर, तो ये भी क्या है हमारे पास? रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है, यूज ऑफ नॉन पोल्यूटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
क्वेश्चन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी इन अ रिवर वाटर। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डीकंपोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। वो क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो क्या है अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन? अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डीकंपोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर ये है हमारे पास बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट। अब ऑप्शंस की ओर आते हैं। पहला है इंक्रीजेस व्हेन सीवेज गेट मिक्स विद द वाटर। सही है कि सीवेज इंक्लूड होने से वाटर में ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? बढ़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। रिमेन अनचेंज व्हेन एल्गल ब्लूम होकर, एल्गल ब्लूम होगा तब भी ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, तो जिससे डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होगी? वहां पर बढ़ेगी, लेकिन यहां पर लिखा है अनचेंज। नेक्स्ट हैज नो रिलेशनशिप विद द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। फोर्थ लिखा है गिव अ मेजर ऑफ सैल्मोनेला इन वाटर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट वन, इंक्रीजेस व्हेन सीवेज गेट मिक्स्ड विद द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी रेसिड्यूज आर रैपिडली पास थ्रू फूड चेन कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन बिकॉज डीडीटी इज। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज बायोमैग्निफिकेशन। सब्सटेंसेस जो रेस्पॉन्सिबल है बायोमैग्निफिकेशन के लिए, तो हम बात करेंगे डीडीटी, मरकरी। ठीक है, अब यहां पर कहा है डीडीटी के बारे में। डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो डाइइथाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये जो सब्सटेंस है डीडीटी, ये फैट सॉल्युबल या हम कहें लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है जो आसानी से फूड चेन के थ्रू पास हो सकता है, रैपिडली पास थ्रू फूड चेन। सो आंसर इज लिपोसॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस वॉज एडॉप्टेड बाय। तो अभी हमने ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस के लिए जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है द वाइन कन्वेंशन, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही होगा, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइगर इज नॉट अ रेजिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स। इनमें से किस नेशनल पार्क में टाइगर्स नहीं है? सबसे पहला है जिम कॉर्बेट, तो ये जो है उत्तराखंड में है और फेमस किसके लिए है? तो बंगाल टाइगर्स के लिए। सुंदरबंस कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ये किसके लिए फेमस है? ये भी टाइगर्स के लिए। थर्ड रणथंभौर, सवाई माधोपुर राजस्थान में है ये, और ये भी टाइगर्स के लिए फेमस है। फोर्थ वन गिर, जो कि गुजरात में है, और ये फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए, एशियाटिक
लायंस के लिए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अगर हम बायोलॉजिकल कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन, साइज एंड डेंसिटी। साइज एंड डेंसिटी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा दूसरी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो नेटिलिटी, बर्थ रेट, मॉर्टेलिटी, डेथ रेट। एक इंडिविजुअल के लिए हम बर्थ और डेथ की बात करेंगे, कम्युनिटी के लिए वहां पर किसकी बात करते हैं, नेटिलिटी, मॉर्टेलिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, एज पिरामिड्स, सेक्स रेशियो। ये क्या है, तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमारे पास में इनमें पूछा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन जाएगा सेकंड, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन। तीन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रेशियो, नेटिलिटी एंड मॉर्टेलिटी, जो नहीं है वो है स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हर्बीवोर्स एंड द डीकंपोजर्स इज नोन एज। तो बायोमास के बारे में यहां पर पूछा है, प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी दो टाइप्स की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड सेकंड है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो जीपीपी होता है रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो है जीपीपी। एनपीपी क्या है, तो अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन हेटरोट्रॉप्स, फॉर कंजप्शन टू हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स के लिए जो अवेलेबल बायोमास है वो क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और इसमें आ जाएंगे हमारे पास हेटरोट्रॉप्स में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड डीकंपोजर्स। तो अब हम ऑप्शंस देखें यहां पर, तो बायोमास जो है अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन बाय हर्बीवोर्स एंड डीकंपोजर्स, जो कि क्या है एनपीपी, अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेटरोट्रॉप्स, यानी कि हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के दो मेथड्स हैं, इनसिटू कंजर्वेशन एंड एक्सिटू कंजर्वेशन। इनसिटू कंजर्वेशन क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करके प्लांट और एनिमल स्पीशीज को कंजर्व किया जा सकता है, इन सिटू कंजर्वेशन। तो हमारे पास इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन में किसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
सेक्रेट ग्रूव्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये जो है वो क्या है, इंसिटू कंजर्वेशन के मेथड है। एक्सिटू कंजर्वेशन क्या है, तो प्रोटेक्शन इन अ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट, यानी कि अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट से दूसरे एनवायरनमेंट में प्लांट और एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वो है एक्सिटू कंजर्वेशन। और इसमें आते हैं सीड बैंक्स, जीन बैंक्स, जू, बॉटनिकल गार्डन, ये क्या है, एक्सिटू कंजर्वेशन। तो अब ऑप्शंस की बात करते हैं, एग्जांपल बताना है एक्सिटू कंजर्वेशन का, तो ये तीनों किसके हो गए, इंसिटू कंजर्वेशन के। तो सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन है सीड बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इज, एग्जॉस्टिबल भी पूछा है और रेन्यूएबल भी पूछा है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और खत्म हो जाते हैं वो एग्जॉस्टिबल, रेन्यूएबल जो फिर से जनरेट हो जाते हैं। कोल, पेट्रोलियम क्या है, नॉन रेन्यूएबल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है वो क्या है, रेन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू गैसेस मेकिंग हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात करें तो यहां पर है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, N2O एंड CFC, ये फोर क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। और उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, CO2 का 60%। तो अब यहां पर पूछा है टू गैसेस मेकिंग हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन, तो हमारे पास ऑप्शन क्या जाएगा, CO2 एंड CH4, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस A to D यूजुअली टेंड टू अकर इन द प्लेन्स ड्वेलर्स व्हेन दे मूव टू हाई एटीट्यूड अबाउट 3500 मीटर और मोर। एट हाई एटीट्यूड बिकॉज ऑफ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर सिम्टम्स अपीयर लाइक नोजिया, फटीग, हार्ट पेल्पिटेशंस, एंड आवर बॉडी कंपेंसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग RBC प्रोडक्शन, by decreasing the binding affinity of hemoglobin, and by increasing the breathing rate. So how adapted to high altitude, by increasing RBC production, decreasing binding affinity of hemoglobin, of binding affinity of hemoglobin, and by increasing breathing rate, and by increasing breathing rate. So these are the adaptations at high altitude. Now come to the options. First is increase in RBC size. Second is increase in RBC production. Increasing breathing rate. And next is increase in thrombocyte count, platelets count. Okay, so now the first one is A and B. A and B, so A is incorrect. First option is incorrect. B or C की बात करते हैं. तो increase in RBC production and increase in ब्रीथिंग रेट, ये दोनों सही है। थर्ड हमारे पास सी और डी है, इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, आरबीसी प्रोडक्शन नहीं आ रहा है इसमें, और ए और डी में जो है वो दोनों ही क्या है, गलत है। तो हमारे पास सबसे करेक्ट सही ऑप्शन कौन सा है, इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट। तो सही कौन सा जाएगा, बी एंड सी, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट
Now the next question is, DB is a standard abbreviation used for quantitative expression of. DB जो है वो यहाँ पर किसके लिए आता है, तो DB है डेसिबल, और यह किसके मेजर करने के लिए, तो नॉइज पॉल्यूशन, साउंड जो कि 150 डीबी से ज्यादा होता है वो परमानेंटली ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है. अब ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं. अ सर्टेन पेस्टिसाइड, डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया इन ए मीडियम, अ पर्टिकुलर पॉलिगेंट और डोमिनेंट बेसिलस इन ए कल्चर. तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा जाएगा, अ पर्टिकुलर पॉलिगेंट, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, नॉइस पॉल्यूशन. Now the next question is, study the four statements A to D given below and select the two correct statements. दो करेक्ट स्टेटमेंट को हमें सेलेक्ट करना है. फर्स्ट वन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, a lion eating a deer and a sparrow feeding on grain are ecologically similar in being consumers. ये कह रहा है कि lion जो है वो deer को खा रहा है और स्पैरो जो है वो ग्रेन को, तो ये दोनों ही क्या है, कंज्यूमर्स है. ठीक है, इकोलॉजिकली क्या है, कंज्यूमर्स. दूसरा है प्रेडेटर पिसास्टर, स्टारफिश हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स. पिसास्टर जो है फिश, ये इनवर्टिब्रेट स्पीशीज को मेंटेन करता है. पिसास्टर फिश को जो है अगर हम उस एरिया से हटा देंगे तो वहाँ पर लगभग 10 इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज जो है वो वहाँ से एक्सटेंट हो जाती है. तो प्रेडेटर जो है वो क्या करता है, प्रे स्पीशीज जो है उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करता है. अगर प्रेडेटर नहीं होगा तो वहां पर प्रे स्पीशीज जो है उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी और उनमें आपस में कंपटीशन होगा और वहां से एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो यही कह रहा है कि प्रेडेटर पिसास्टर स्टारफिश जो है वो क्या कर रहा है, इनवर्टिब्रेट स्पीशीज को मेंटेन कर रहा है. नेक्स्ट लिखा है प्रेडेटर अल्टीमेटली लीड्स टू द एक्सटेंशन ऑफ प्रे स्पीशीज. तो प्रेडेटर कभी भी प्रे स्पीशीज को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता है. प्रेडेटर जो होते हैं वो प्रिवेंट होते हैं, यानी कि वो प्रे स्पीशीज को कभी भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, प्रे स्पीशीज की पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं. तो ये गलत स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स सच एज निकोटिन स्टारकानिन बाय द प्लांट्स आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. ये जो केमिकल्स जो है जो प्लांट्स के द्वारा सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, ये एक्चुअली जो है उनकी डिफेंस के लिए सिंथेसाइज किए जाते हैं. अब यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट की बात चल रही है, तो फर्स्ट है ए एंड बी. देखो ए भी करेक्ट है कि ये भी एक प्रेडेटर है, लायन भी और स्पैरो भी अगर ग्रेन पर फीड कर रहा है तो इकोलॉजिकली ये दोनों क्या है, कंज्यूमर्स या प्रेडेटर्स कहलाएंगे. पिसास्टर जो है वो स्टारफिशेज जो स्टारफिश है इनवर्टिब्रेट स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करके रखता है, क्योंकि ये वहां से हटा देंगे तो इनवर्टिब्रेट स्पीशीज भी थोड़े समय बाद एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है. थर्ड वाला गलत है, कभी भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता है प्रे स्पीशीज को या फिनिश नहीं करता है, क्योंकि अगर प्रे स्पीशीज फिनिश हो जाएगी तो प्रेडेटर भी वहां से क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है. और फोर्थ क्या है कि ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं है, तो ये भी क्या है, यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है. एक्चुअली ये डिफेंस के लिए सिंथेसाइज किए जाते हैं. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी. The next question is, the figure given below is a diagrammatic representation of response of organism to abiotic factors. Responses to abiotic factors में हम चार चीजें पढ़ते हैं, regulator, conformers, migrate, suspend. यहाँ पे पूछा है what do A, B and C represent respectively. ये जो यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें A, B और C जो है वो किस कुछ बता रहे हैं वो हमें यहाँ पर बताना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटर्स की. अगर हम रेगुलेटर्स की बात करें
तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं उन्हें हम रेगुलेटर्स कहते हैं। दूसरा है हमारे पास कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है वो होते हैं कॉन्फॉर्मर्स। और थर्ड है पार्शियल रेगुलेटर्स। तो पार्शियल रेगुलेटर्स वो होते हैं जो एक लिमिट तक तो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर पाते हैं, उसके बाद में वो क्या हो जाते हैं कॉन्फॉर्मर्स, तो उन्हें हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। अगर हम यहाँ पर देखें ए वाले को, तो इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है या इंटरनल लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा है एक्सटर्नल लेवल के चेंज के साथ, तो ए यहाँ पर किसको बता रहा है? तो हम कहेंगे ए जो है वो किसके लिए आया है, रेगुलेटर्स के लिए आया है। उसी तरह से अगर हम बी की बात करें, तो बी जो है इंटरनल लेवल चेंज हो रहा है एक्सटर्नल लेवल के साथ, यानी कि बी क्या हो गए हमारे पास कॉन्फॉर्मर्स। तो अब सी क्या है, तो एनवायरमेंट के साथ चेंज भी हो रहा है और कॉन्स्टेंट भी है, तो थर्ड हमारे पास सी क्या है हमारे पास पार्शियल रेगुलेटर्स। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ए रेगुलेटर, बी कॉन्फॉर्मर एंड सी पार्शियल रेगुलेटर्स। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन शोज द पिरामिड्स ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा पिरामिड जो है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए नंबर पिरामिड्स ऑफ नंबर्स है, नंबर का पिरामिड है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए। तो पिरामिड्स जो है वो क्या है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन आर नोन एज पिरामिड्स। और पिरामिड्स के बारे में सबसे पहले बताया गया था चार्ल्स एल्टन के द्वारा, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हम बात करेंगे, तो ग्रास, रैबिट, फॉक्स, लायन, नंबर जो है इस फूड चेन में वो इधर से इधर जाने पर क्या होता है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। ठीक है, ग्रासेस जो है, लायन जो है उनका नंबर सबसे कम होगा। ठीक है, हर प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होंगे नंबर में, उसके बाद हर्बीवो, फिर कंज्यूमर और फिर उसके बाद टॉप कंज्यूमर्स। तो हमारे पास इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन जो दिख रहा है वो है थर्ड वन। ठीक है, ब्रॉड बेस और उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिफाइंड। फर्स्ट, एमेंसलिज्म इज द रिलेशनशिप इन विच वन इज बेनिफिटेड व्हाइल द अदर इज अनअफेक्टेड। एमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशीज को तो लॉस होता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। ये जो दिया गया है वो क्या है, कॉमेंसलिज्म, तो ये गलत है फर्स्ट। सेकेंड है, प्रेडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैचेज एंड किल अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। प्रेडेटर जो है वो कैच करता है और किल करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड के लिए, तो ये सही स्टेटमेंट है हमारा सेकंड। नेक्स्ट, पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच ऑलवेज लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक्टो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट। ठीक है, तो यहाँ ऑलवेज आया इसलिए भी सही नहीं है पूरी तरह से। होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड टू अनदर ऑर्गेनिज्म, हमेशा फूड प्रोवाइड करें ये भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो बेस्ट जो डिफाइन किया गया है ऑप्शन वो है प्रेडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैचेज एंड किल अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन डायनासोर्स इज अ नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ विच वन ऑफ द इंडियन स्टेट। तो डायनासोर्स जो है वो किन स्टेट्स में इंडिया में मिलते हैं या पाए जाते हैं, तो असम एंड वेस्ट बंगाल, असम एंड
वेस्ट बंगाल। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वन असम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड। इस एज पिरामिड से हम किस टाइप की पॉपुलेशन जो है वो हमें नजर आ रही है। तो यहां पर दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव। अगर हम ये जो एज ग्रुप दिए गए हैं इन एज ग्रुप के बारे में बात करें, तो जिस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव जो है उनकी संख्या ज्यादा होगी तो आने वाले समय में वो पॉपुलेशन बढ़ेगी, यानी कि वो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन होगी। अगर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव की तुलना में कम है तो आने वाले समय में वो पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्लाइन होगी, तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहलाता है। और प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों सेम होते हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाता है स्टेबल पॉपुलेशन। यहां पर देखने को हमें मिल रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या रिप्रोडक्टिव से कम है, प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो कम है किससे, रिप्रोडक्टिव से। तो करेक्ट ऑप्शन ये, तो ये कौन सी पॉपुलेशन हो जाएगी, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन जाएगा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, आने वाले समय में ये पॉपुलेशन कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ लिविंग मैटर एट ए ट्रॉपिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड इज। हमारे पास फोर ऑप्शन दिए, स्टैंडिंग क्रॉप, ह्यूमस, डेट्राइटस एंड स्टैंडिंग स्ट्रीट। डेट्राइटस की बात करें तो डेड एंड डिकिंग मैटर क्या होता है, डेट्राइटस होता है। ह्यूमस की बात करें तो डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस दैट इज रिच इन मिनरल्स, तो वो ह्यूमस होता है। और स्टैंडिंग स्ट्रीट क्या है, तो मिनरल्स की क्वांटिटी को बता रहे हैं इन एरिया, तो वो है स्टैंडिंग स्ट्रीट। तो यहाँ पर ये किसको डिफाइन कर रहा है, स्टैंडिंग क्रॉप्स को। मास ऑफ लिविंग मैटर एट ए ट्रॉपिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप, और मिनरल्स के लिए होता तो हम कहते हैं स्टैंडिंग स्ट्रीट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट वन, स्टैंडिंग क्रॉप। Now the next question is, eutrophication is often seen in deserts, freshwater, oceans and mountains. Eutrophication क्या है? Eutrophication is natural aging of water body. Eutrophication is natural aging of water body. यानी कि वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक कंटेंट्स के डिपोजिशन से वो धीरे धीरे लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। ह्यूमन इंपैक्ट के कारण जो वाटर बॉडी जो है वो कम समय में लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन और कल्चरल यूट्रोफिकेशन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सीवेज इन अ वाटर बॉडी। ओके, तो हम यहाँ पर वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, लेक और पॉन्ड की। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा किसका, फ्रेश वाटर। तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फ्रेश वाटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन द प्रोपोर्शन ऑफ पीएआर इज। पीएआर क्या है, तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। सो ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% आर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। एंड प्लांट कितना कैप्चर करते हैं इसका, 2-10%। ठीक है, तो एंटायर वर्ल्ड किस पर चल रहा है, 2-10% ऑफ पीएआर पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, लेस देन 50% ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% आर पीएआर एंड प्लांट कैप्चर 2-10% ऑफ दिस पीएआर। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द
हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर की बात करें हम तो एनिमल्स जो है वो प्लांट्स की तुलना में ज़्यादा है, और एनिमल्स में सबसे ज़्यादा जो है स्पीशीज वो है इंसेक्ट्स की। हर 10 एनिमल में 7 जो है वो क्या है, इंसेक्ट्स। तो हाईएस्ट नंबर किसका है, इंसेक्ट का, यानी कि एनिमल्स की 70% क्या है, इंसेक्ट्स। ऑर्थोपॉड ग्रुप जो है वो क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इंसेक्ट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फोर कंडीशंस ए टू डी एंड सेलेक्ट करेक्ट पेयर ऑफ देम एज एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट इन डेजर्ट लिजर्ड्स। द कंडीशंस आर बरोइंग इन सॉइल टू एस्केप हाई टेम्परेचर, लूजिंग हीट रैपिडली फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द हायर टेम्परेचर, बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर इज लो, इंसर्टिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस। तो अगर हम डेजर्ट डिजार्ड की बात करें तो डेजर्ट डिजार्ड ये कैसे सरवाइव करता है, तो हाई टेम्परेचर में ये जो है वो क्या करता है, सैंड के अंदर चला जाता है, बरोइंग इन सॉइल टू एस्केप द हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कंफर्ट जोन से कम जाता है या लो हो जाता है तब वो क्या करता है, सनलाइट में आता है, बास्क इन द सन व्हेन टेम्परेचर इज लो। और ये जो एडेप्टेशन है वो कहलाता है बिहेवियरल एडेप्टेशन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए एंड सी, बरोइंग इन सॉइल व्हेन द टेम्परेचर इज हाई एंड बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर इज लो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी, दैट इज गिवन इन सेकंड ऑप्शन ए एंड सी। सो the correct answer will be the second. Now next question, which one of the following is correct for secondary succession? Succession क्या है, a gradual and predictable change in the species composition in a given area is known as ecological succession, यानी कि development एक फॉरेस्ट का। तो सक्सेशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, तो एक बैरन एरिया से फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता है तो वो कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन, और किसी ऐसी लैंड से जहां पर पहले किसी टाइप का वेजिटेशन था और वो वेजिटेशन किसी कारण से, जैसे डिफॉरेस्टेशन एफर्ट है, किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर से उस जगह पर फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता है तो वो कहलाता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जो है उसमें टाइम लगता है लगभग थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में 100 to 200 years जो है वो लगते हैं। तो सक्सेशन जो है वो हमारे पास में दो टाइप का हो गया, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। ये कहाँ से शुरू होगा, बेयर रॉक से शुरू हो रहा है और फॉरेस्ट तक जा रहा है, और ये क्या है, तो किसी डिफॉरेस्टेड साइट से या फिर वेजिटेशन जो है वहाँ पर वेजिटेशन वॉज प्रेजेंट बट डिस्ट्रॉयड एंड अगेन फॉरेस्ट इज डेवलप्ड एंड अगेन डेवलप्ड और फिर से वेजिटेशन डेवलप हो जाता है तो वो क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, अब ऑप्शंस की बात करते हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन के लिए कौन सा सही है। इट बिगिंस ऑन ए बेयर रॉक्स, तो वो तो प्राइमरी सक्सेशन है, रॉन्ग हो गया। इट अकर्स ऑन ए डिफॉरेस्टेड साइट, बिल्कुल सही है कि डिफॉरेस्टेड एरिया पर जो है वो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। इट फॉलोज प्राइमरी सक्सेशन, तो ये गलत है, और इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन जैसा नहीं है। ठीक है?
ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इट अकर्स ऑन ए डिफॉरेस्टेड साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज पैरासाइट इन ट्रू सेंस। तो पैरासाइट के लिए कंडीशन क्या है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट में होना चाहिए होस्ट के पैरासाइट। पहला ऑप्शन क्या होता है, फीमेल एनोफिलीज बाइट्स एंड सक्स ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन, तो ये जो है वो कंटिन्यू जो है वो उसके कांटेक्ट में नहीं रहता है। ठीक है, ह्यूमन फीटस डेवलपिंग इनसाइड द यूट्रस ड्रॉज नरिशमेंट फ्रॉम द मदर, तो प्लेसेंटा के द्वारा भी कनेक्टेड रहता है। हेड लॉस लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प एज वेल एज लेइंग एग्स ऑन ह्यूमन हेयर, तो ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है पैरासाइट को, द कुकू कोयल ले इट्स एग इन क्रू नेस्ट, ये क्या है, ब्रूड पैरासिटिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वन जो है वो क्या है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट वेयर इज द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी की हम बात करें, तो एनर्जी जो है वो किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी फूड चेन में हम बात करें, तो एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल या दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ एनर्जी। 10% लॉ जो है एनर्जी का, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, विंडमान के द्वारा दिया गया है, और इनके अकॉर्डिंग या 10% लॉ क्या कहता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। तो यानी कि एनर्जी का अगर हम पिरामिड्स की बात करेंगे, तो एनर्जी का पिरामिड जो है वो हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा, सीधा पिरामिड बनेगा, और एनर्जी जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल हमेशा कम होगी, डिक्रीज होगी। ऑप्शंस देखें, इट्स बेस इज ब्रॉड, यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट बताना है एनर्जी पिरामिड्स ऑफ एनर्जी के लिए, तो इट्स बेस इज ब्रॉड, ये तो सही है। दूसरा है इट शोज एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, सही है। इट इज इन्वर्टेड इन शेप, तो इन्वर्टेड शेप का नहीं होता है, और इट इज अपराइट इन शेप, तो ये भी सही है। तो अब यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो कौन सा इनकरेक्ट है, थर्ड वन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज इट इज इन्वर्टेड इन शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है राइस की, मोर देन 50,000 वैरायटीज जो है वो इंडिया में राइस की प्रेजेंट है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, राइस। मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया जो है वो कौन सी चीज शो करता है, तो राइस, मोर देन 50,000 वैरायटीज। नेक्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय अर्थवर्म इज द प्रोसेस, तो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन करना अर्थवर्म के द्वारा, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, तो हम बात करेंगे डीकंपोजिशन साइकिल की। अगर हम डीकंपोजिशन साइकिल की बात करें, तो वहां पर एक प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें लार्जर सब्सटेंस को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, किसके द्वारा, अर्थवर्म के द्वारा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, और वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं, डेट्राइटी, डेट्राइटी मोड्स कहलाते हैं। कैटाबोलिज्म ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस, ह्यूमिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस दैट इज रिच इन मिनरल, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन एंड लीचिंग दैट इज मिनरल्स गोज डीप इनटू द सॉइल, सो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय,
दो टाइप के हम ग्रोथ मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की हम बात करें तो ये जो ग्रोथ मॉडल जो है या ऐसे जो ग्रोथ जो होती है वो कब होती है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में जब वहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है तब जो है वो ग्रोथ देखने को मिलती है, जो ज्योमेट्रिक या लॉजिस्टिक ग्रोथ जिसे बोलते हैं। इसकी जो करेक्ट इक्वेशन होती है वो होती है डी एन बाई डी टी आर एन के माइनस एन अपॉन के। ये जो है वो क्या है, यहाँ पर करेक्ट इक्वेशन है इसकी। यहाँ पर के क्या है, तो के है यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी, एन यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी और आर या है यहाँ पर इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज। तो थर्ड यहां पर इक्वेशन जो है वो क्या है, करेक्ट इक्वेशन है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडायवर्सिटी ऑफ ए ज्योग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स स्पीशीज एंडेमिक टू द रीजन, एंडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड इन द रीजन, द डायवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए रीजन, लिविंग इन ए रीजन एंड लास्ट जेनेटिक डायवर्सिटी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट स्पीशीज इन द रीजन। बायोडायवर्सिटी क्या है, तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन ए रीजन इज नोन एज बायोडायवर्सिटी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, द डायवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ रीजन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये हमने 2009 से 2011 में जो आए हुए क्वेश्चन को हमने यहाँ पर देखा, एक दो फुल फॉर्म पूछी गई थी IUCN की, जो कि हमने देखा नहीं इसका क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा था हमारे पास एक क्वेश्चन और था जिसको भी हमने नहीं ऑप्शंस नहीं लिखे हमने, लार्ज वुडी वाइन्स आर कॉमनली फाउंड इन, लार्ज वुडी वाइन्स आर कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लार्ज वुडी वाइन्स जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमने डिस्कस नहीं किए, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन जो है क्या होते हैं यहाँ पर।